नहीं देखिए कह रहे हैं अग्निवीर पर बात उठाए हैं। अग्निवीर था पहले 4 साल की, ऐसा थे ना, फिर 4 साल का हुआ, अब 10 साल का होगी अग्निवीर। अग्नि हो गया 10? अरे अंगला रे, कल परसों की बात है। कहाँ पढ़ ली? बात बताऊँ, आर्मी जैसे संस्थानों को ना 2-4 साल 5 साल करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसमें होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बंदा 2.5 साल रहे, अगर 2.5 साल बंदा रहेगा ना वहाँ से बाहर निकलेगा, कैपेबल होगा, दूसरा काम करेगा नहीं, वो इस सब चीज़ों से बाहर में इलीगल एक्टिविटीज में ही लगेंगे। एक चीज़ें होना चाहिए उसमें, 2-4 साल से आर्मी का कुछ नहीं होता, आर्मी के लिए परमानेंट होना चाहिए। क्या कहने देखिए इसमें एग्रीमेंट नहीं चल रहा है जी, क्या कहने देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबी कम करने का काम, क्या लग रहा है गरीबी कम की है? गरीबी बहुत कम हो गई है। कहाँ से कम हो? बहुत कम है, क्या ना इतना रोजगार नहीं मिला यूपी में। तो मुफ्त का राशन क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं देंगे? क्यों देंगे? गरीबों का हक है देने का, देंगे ना? अभी कह रहे थे आप गरीब नहीं, आप कह रहे हैं गरीबों का हक नहीं, जो गरीबों का हक है तो भाई देंगे, वो तो जो राशन तो है ही नहीं ना भारत में। नहीं, जिसको आवास नहीं मिला, सबको आवास मिला यूपी में। मेरे को मिला? हाँ हमको मिला। दिखाओ। क्या दिखाओ? आयुष्मान कार्ड दिखाओ। आयुष्मान मोबाइल पे नहीं है, आधार कार्ड है तो वो कैसे मोबाइल पर है? अगर आयुष्मान कार्ड घर पे रखा है, फोटो भी नहीं मोबाइल पर है, आधार कार्ड की फोटो है। अरे झूठ बोलने के लिए भी कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ऐसा झूठ मत बोलो जो पकड़ जाओ, ऐसा झूठ मत बोलो जो पकड़ जाओ। अरे गुरु पानी पी लो। आज आज आपको 10 साल की नौकरी मिल गई मान की, उसकी अग्निवीर की नहीं मिली, तो फिर अभी तो आप तो कह रहे थे पहले के लोग झूठ बोलते थे, नंबर जाते थे, अब तो साले कीड़े भी नहीं पड़ते। कभी ये जो कैमरा चल रहा है ना, ये तुम्हारे गांव वाले भी देखेंगे और नीचे गाली लिख के देखेंगे तुम्हें कि झूठ बोल रहा था ये। सही बोलो, सही बोलो, ईमानदारी का बोलो। कोई हमें खाने को नहीं देता, लेकिन सही हम जिनको वोट देते हैं उनसे अपने लिए काम मांग सकते हैं, सुरक्षा मांग सकते हैं। आज मोदी जी हैं, कल दूसरी सरकार आएगी, तीसरे दिन तीसरी सरकार आएगी, लेकिन ऐसी भक्ति मत करो कि झूठ बोलना पड़े और गाली भी खाना पड़े। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि अब तो पूरी दुनिया को पता है कि सबसे तेजी से जो देश विकास करने वाला है वो भारत ही है। भाई विकास अगर देश कर रहा है तो आपने देश में इतने, मतलब अभी भी अमेरिका आप गए, लंदन गए, पोलैंड गए, इतने देश में आप कितने देश के कितनी अर्थव्यवस्था देख कर आप आए, तीसरे नंबर से भी दूसरे 5वें नंबर से तीसरे पे आ क्यों नहीं पा रही है? 10 साल से आप घूम ही रहे हैं तो 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था टिकी, अभी तक टिकी रह गई। 10 साल में आप 4थे नंबर पे तो ला दो, लेकिन क्या एक माइंड वॉश करना, आपको करना कुछ नहीं। आदमी को डराने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं है, आप खिला दो भाई काला, किसी घर के सामने जाओ और आप चावल और लाल मिर्च लाल धागा ऐसा कुछ रखाओ और वो आदमी अपने आप मर जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर डरने के लिए आस्था बहुत बड़ी चीज़ है और ये आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमें डराने के लिए भगवान को ही प्रयोग कर रहे हैं और हम इसमें डर रहे हैं कि 370 आ जाएगी, और अगर 370 लागू थी तो हमारा क्या कर लिए थे वो, और हटा दिए तो हमारा क्या बिगाड़ देंगे, और फिर भी हम कहते लगा दो 370 और देखे वो हमारा क्या कर लेंगे। खाली डराने का काम है इनका, हमारे भाई से छोटे भाई ने बताया ना, ऐसे डरने का काम है इनका, डरो मत। लग रहा है मोदी जी ने विकास किया है देश का, लग रहा है मोदी जी ने विकास किया है देश, बहुत किए विकास मोदी जी देश का, बहुत किए। क्या क्यों नहीं कर दिया? बहुत जी कर दिया, G20 बैठा करवा दिया, कमती विकास नहीं हुआ यूपी में, तुम्हें भारत में क्या हो गया? बहुत बहुत हुआ विकास भारत में, क्या कुछ बता दो दीजिए, क्या विकास बता तो दो, पूछने बताओ ना क्या विकास, पुल बनाया वो विकास किया, कितने पुल बनाए बिहार के अंदर, सारे गिर गए 5 के 5, राम मंदिर बनाया वोट। देखिए इनके हिसाब से तो विकास हुआ है देश, कह रहे बहुत विकास। भैया कहाँ के रहने वाले हो तुम? बनारस में रहते हो ना, स्टेडियम बन रहा है ना आपके लिए, बन रहा हो तो हमें खेलने मिलेगा वहाँ पर? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा, ये बताओ, हाँ तुम्हें मिलेगा? हाँ मिलेगा खेलने के लिए। हेलो, विकास हुआ पक्की बात, अगर वहाँ फैक्ट्री क्या गलत है, वो बनने खराब है, बन गया तो नहीं, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है खराब है वो। डरवाने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं है, केवल भगवान की आस्था की जरूरत है। ये कॉरिडोर पे आ गए, हमने भगवान का नाम लिया क्या यहाँ पर? हम कह रहे आज आज जो आप सिंपल सी बात, आप वंदे भारत देख रहे हो ना, एरोप्लेन बना, प्लेन जाता है आपके यहाँ ना, कितनी बार आप चढ़े हो कितनी बार उतरे हो? अरे फोटो मांगो दिखाओगे नहीं मेरे को, है ना, इसीलिए कह रहे हैं
झूठ बोलने के लिए ना अकल चाहिए भैया। आज बाथरूम भी आदमी जाता है फोटो खींच ले, बाथरूम करने जाता है ना तब भी फोटो खींच देता है। अब बता रहे बंदे भारत भी ट्रेन जो चल रही है गरीब आदमी के लिए नहीं है। आज जो स्टेडियम बन रहा है वो गरीब आदमी के लिए, तुम्हारे हमारे लिए, हमसे वो कमाएंगे, हम टिकट खरीदेंगे। देखिए मोदी जी का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस कमजोर हो रहा है, भाजपा जो और मजबूत होता जा रहा है, जनता का भरोसा बढ़ रहा है उनपे। अच्छा आप ये बता दीजिए, जो 2019 से पहले थे तो विपक्ष वाले कभी बोलते थे कि हमारा गला दबाया जा रहा है या बीजेपी कमजोर हो रही है? वो तो मुद्दे पे बात करते थे, भाई महंगाई हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और आपका जो वादे थे आपने वादे नहीं पूरे कर रहे। आज आप अपने वो 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पे भारी, वो सब वर्ल्ड कहाँ चले गए? वो सब वर्ल्ड मोदी जी भूल गए क्या? आज भी तो मोदी जी ने कहना चाहिए ये अकेला सब पे भारी, ये 56 इंच का सीना है, ये शब्द कहाँ? ये तो आप तो आज जब तुम्हारी गर्दन फंस गई है, काम करवा रहा है विपक्ष तुमसे, तो तुम्हें दर्द हो रहा क्योंकि काम करना पड़ रहा था। पहले आप झूठ बोलते थे कि हम 22 घंटे 18 घंटे काम कर रहे थे और आप तब आराम से सो रहे थे, आज नहीं कर रहे हो और विपक्ष करवा रहा है तो तुम्हें दुख हो रहा। आप कुछ ना कुछ तो आप झूठ बोलने के लिए बोलोगे। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, और मैं आज खुद बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहाँ चले गए जो राम मंदिर के, राम के नाम को जो प्रसाद में गाय का मांस और मछली का तेल मिलाया गया, वो अंधभक्त कहाँ चले गए? आज मेरी प्रतिष्ठा पर, मेरे सम्मान पर, मेरी भक्ति पर चोट पहुँची है। क्यों नहीं इसके काम विरोध हो रहा, क्यों नहीं बिल्डोजर चल रहा उसके लिए? अच्छा भाजपा मोदी जी उल्टा आरोप लगा रहे, कह रहे कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो भ्रष्टाचार, बेटा भतीजा वाद सब वापस आ जाएगा। इनके जुमले अब हो गए फिर। इन्होंने पहले अभी 2022 में जो चुनाव हुए 23 में, उसमें केवल मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी पूरे पोस्टर मोदी जी के लगा रखे थे। अब क्या हुआ, मोदी जी का पोस्टर गायब हो गया, अब फिर से सबका पोस्टर आने लगा उसी में। अब क्या बोल रहे हैं, आएगा तो योगी। अरे हो रहा है हरियाणा में विधानसभा का चुनाव, आएगा योगी कैसे, आएगा मोदी कैसे? अरे अपने काम को बताओ ना कि हमने ये काम किया है, इस काम पर हमें वोट दीजिए, इतनी स्मार्ट सिटी बनाई है, बनी थी लेकिन अयोध्या में बाढ़ आई और बह गई, ऐसे बता दो। बोलने में क्या जा रहा, झूठ बोलने में तुम तो माहिर हो, बोल दो बाढ़ में हमने 100 स्मार्ट सिटी बनाई थी और बाढ़ आई उसमें बह गई, बोलते जाओ, क्या दिक्कत है इनको? इनसे ना देश चल रहा है ना प्रदेश चल रहा है। आने वाले वक्त में ये सरकार को एक भी सीट मिलेगी नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले 2 पे थी, अब की बार 2 भी नहीं मिलेगी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी समाप्त वाली पार्टी हो रही है। पर देखिए मोदी जी का कहना है कि अगर रोजगार को बढ़ावा देना है तो सिर्फ उनकी सरकार को लाना पड़ेगा हरियाणा में खासकर। अरे प्रभु 10 साल से तुमको मौका दे रहे हैं, 10 साल से तो आपकी सरकार चल रही है, 11 साल से आपकी सरकार चल रही है, कौन सा नया प्रोजेक्ट आपने भारत के में लाया? कितनी बेरोजगारी कम करी आपने? बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप ही चिल्ला चिल्ला कह रहे थे, एक वो कम आँख वाला बाबा बोलता था कि हम इतना पेट्रोल करा देंगे, इतना डीजल करा देंगे, गैस स्मृति रानी जी लेके घूमती थी, आप ही लोग चिल्लाते थे बेरोजगारी, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर आपने दिया है तो भी ये चिल्ला क्यों रही पब्लिक? आपने केवल दिया है देश को जुमला, और देश के जवानों के साथ आपने गद्दारी की है। 4 साल के नाम पर आपने जो अग्निवीर योजना बनाई है, ये देश के सैनिकों के साथ गद्दारी है। उनको, उन सैनिकों को, अग्निवीर वालों को कैंटीन के अंदर तक में जाने का हक नहीं है, उन्हें कैंटीन का लाभ नहीं मिलता है। बताइए तो क्या किया आपने इनके संग? तो देश की जनता अब की बार इन्हें हरियाणा से नहीं, महाराष्ट्र से भी, और आपके भगवान भला करे जम्मू कश्मीर में सपाया करेगी।